आज की अभी 10 मिनट की रिकॉर्डिंग है, सुनिए सभी लोग बहुत ही ध्यान से। हेलो। हाँ, विजय कुमार बात कर रहे हैं जी सर। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। बात कर रहा हूँ। कैसे हैं जी सर? बढ़िया है। आप सुनाएं सर। बढ़िया है सर। टाइपिंग कैसी गई आपकी, ये बताइए पहले। सर टाइपिंग सर नहीं हो पाया, इंग्लिश वाला नहीं हो पाया। हिंदी वाला तो हो गया, इंग्लिश वाले में दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत आ गई? सर दिक्कत ये थी कि इंग्लिश वाले में मेरी 38 38 समथिंग रही है, इससे ज़्यादा हो नहीं पाया मामला। अच्छा अच्छा घर पे कितने हो रहे थे? घर पर सर टाइपिंग वाले में 50 38 48 और इंडिया टाइपिंग की तैयारी, वहाँ पर सर मैं होपलेस हो गया था बहुत ज्यादा। मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था आप लोगों से, चिल्ला चिल्ला के कहा था वहाँ पे जाना, एक दूसरे से बातें करना, कोशिश करना अपने आप को कंट्रोल करने की। तो और हिंदी का क्या हो गया? हिंदी का तो सर हिंदी में तो चाहती चाह रही थी, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, पर इंग्लिश वाले ने देखा ना सर, इंग्लिश वाले में नहीं हो पाया। अच्छा, मतलब कंटेंट कैसे आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक था इंग्लिश का? इंग्लिश का सर मिल्खा सिंह का आया था। अच्छा, मिल्खा सिंह का था। देखिए मैंने चिल्ला के कहा था कि जितने करेंट इश्यूज हैं, अब देखिए मिल्खा सिंह की अभी डेथ हुई है हाल ही में, है ना, अभी एक दो दिन हुआ होगा, मुश्किल से एक दो दिन हुआ होगा, तुरंत करेंट पूछ लिया था। तो मैंने ये भी कहा था आप लोगों से कि करेंट इश्यूज पे पढ़ना। मिल्खा सिंह पे आ गया, इंग्लिश इंग्लिश में था क्या हिंदी में था? इंग्लिश में जो था मिल्खा सिंह पे था सर, हिंदी में मैंने ध्यान नहीं कर पाया किस पे था, मतलब कुछ आइडिया होगा हिंदी का मुझे सर इतना। इंग्लिश वाले से चक्कर में ना, वो हिंदी वाला तो बस मैंने टाइप ही करा, बस खाली मैंने उसको ध्यान नहीं करा, मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है उसका। अच्छा, मतलब क्या ये तो कुछ याद है कि करंट इश्यूज था या फिर मतलब किसी कहानी वगैरह था या फिर क्या था? सर था करंट इश्यूज पर मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा है कि इंग्लिश में आया गया था, पर इंग्लिश का थोड़ा मामला थोड़ा दिक्कत हो गया। क्या होता है कि एक गड़बड़ हो जाता है ना, दूसरे पे थोड़ा सा फोकस नहीं हो पाता है। हाँ वो तो सर मैं चक्कर में जो वो मैंने क्या हिंदी का देख क्या करूँगा, मैंने चलो जब इतना आया हूँ तैयार करके देख लिया। बैक स्पेस वगैरह काम कर रही थी अच्छे से सारे? सर बैक सब चीज काम कर रही थी, चेक भी कराया था उन्होंने पहले वर्ल्ड पे जो है वर्ल्ड एमएस वर्ल्ड खोल के दिया, जब हम पहुंचे थे तो एमएस वर्ल्ड ही खुला हुआ था वहाँ पे, तो उन्होंने चेक कराया कि अपना अपना कीबोर्ड सब चेक कर रहे हैं। मेरा कुर्सी देखते थे ना, तो कुर्सी देखते मैंने चेक करा हिंदी में, और जब हिंदी का चेक हो गया तो इंग्लिश के तो वो खुद ही चेक हो गया मैंने, यहाँ सही है सब कीबोर्ड जो कीबोर्ड एसर कंपनी के ही रहे होंगे सर? मुझे एसर का मिला था। एसर का मिला था ना, मैक्सिमम को एसर का ही मिलता है। बाकी कीबोर्ड तो अच्छा रही होगा, अच्छा सा रहा होगा। मतलब क्या कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड कहने का मतलब कि उसकी कीज वगैरह बहुत अच्छी रही होंगी ना सर? एकदम जैसे अपना ओरिजिनल कीबोर्ड होता है सर। ये तो मुझे लग रहा था क्योंकि घर जो घर पे हम लोग कीबोर्ड यूज करते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा कीबोर्ड होता है वो। तो हाँ सर, वहाँ पे यही है वो, तो आदमी पाँच कमरों में कहीं। देखिए ये सारी चीजों को भी मैंने बताया था आप लोगों की, 4 से 5 में इतनी बात मैंने आप लोगों को बताया था मैंने सारी चीजें सही हो गई, बट फिर भी वहां जा करके आप लोगों को क्यों ऐसा हो जा रहा है? मैंने आप लोगों से कहा था वहां जाके कम से कम एक दूसरे से बातें करना, और ऐसे बंदे को ढूंढना जो आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा ठीक ठाक है वो। जैसे क्या होता है कि वहां जब इंसान जाता है तो एक तो बाहर से हो जाता है तो थोड़ा सा वो ऐसा होपलेस हो जाता है कि उसको परेशानी लगती है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मुझे कोई जानने वाला नहीं है। बट यही मैंने इसलिए कहा था कि जा करके दूसरे से बात करने की कोशिश करना है। सर वो बात ठीक तो हुई थी, बस मामला बिल्कुल पहले तो हमें लग ही गया कि हम टाइपिंग देना है। अच्छा एक बात और बता दीजिए कि जो कंटेंट आ रहे थे वो बड़े बड़े थे या छोटे छोटे थे इंग्लिश के? इंग्लिश का सर कंटेंट एक ही शब्द आया था मेरा, जहाँ से मेरे स्पीड डाउन अंडर स्कोर। अच्छा अंडर स्कोर हैश लाल को स्पेलिंग चालू थी, बड़ी सी थी कम से कम 8-9 वर्ड उसकी थी करेक्टर की, उसमें थोड़ी दिक्कत हो गई तो मुझे डिस्क्रीज होने लगी मेरी। शुरुआत में मैंने शुरुआत में टाइपिंग करी थी तो सही चल रहा था मामला, पर ड्यूटी वाले का टाइम पता नहीं चला कि 5 मिनट कब हो गए। हाँ तो टाइम तो पता नहीं चलता क्योंकि जैसे एग्जाम की चीज और होती है, घर पे टाइप करने की बात और होती है, और बाकी इंग्लिश के कंटेंट तो मतलब वो हिंदी के तो इजी रहे होंगे। हिंदी ना सर हिंदी का इजी था, हिंदी में तो सब बच्चे मेरी लाइन में बस जिसने मैं बैठा हुआ था मैं तो उसमें एक ही बच्चे का इंग्लिश में क्वालिफाई हुआ था, बाकी तो हमारे
एक तो क्या है कि जैसे जूनियर असिस्टेंट का तो ठीक है कि उसमें स्पीड कम मांगी है, 30 ही मांगा है, आप लोगों ने एक तो 40 की स्पीड मांगी गई थी, तो एक तो स्पीड खैर ज्यादा है, 40 काफी स्पीड होती है। हाँ सर ये तो है, थोड़ा 40 अगर 35 भी होती तो काम हो गया होता। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है इससे अच्छा कुछ लिखा हो आपकी लाइफ में, है ना, बहुत होपलेस मत होइए, लाइफ भी बहुत बड़ी है। चलिए चलिए सर, और आपसे संपर्क करने की दिक्कत होगी तो। चलिए सर ओके। और एक बात और कह रहा, ये जो हमारी आपसे बातें हो रही है वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो इसको मैं डाल सकता हूँ क्या यूट्यूब पे? हाँ सर बिल्कुल डाल सकते हैं आप। ओके ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू।